सो व्हाट्सअप एवन कैसे हो सारे उपसोसाइक सारे बड़े नए तो हम बना देंगे तुम बढ़िया। सो फाइनली आ चुके हैं हम लोग एक और रिएक्शन के साथ वापस इन। हो वी गोना रिएक्ट टू ताजमहल बाय जस मानक। सो आई थिंक सो ही इज वर्किंग ऑन सम एल्बम कॉल्ड बैड मुंडा जिसका अभी लेटेस्ट टाइटल ट्रैक आ चुका है एमीवे के साथ। तो मेरे ख्याल से उसी एल्बम का होगा या एल्बम क्रेडिट्स फर्स्ट जो सॉन्ग है वो शाकाला का बूम बूम और सेकंड जो तुम्हें स्पॉटीफाई पे एल्बम मिलेगी उसमें होगा ये ताजमहल सेकंड नंबर पे एंड थर्ड नंबर पे टाइटल ट्रैक। बट उसका वीडियो पहले आउट हो चुका है तो हमने चेकआउट कर लिया। अगर तुम्हें फुल एल्बम पे रिएक्शन रिव्यू सब चाहिए तो मेक श्योर करना कि कमेंट डाउन। ठीक है बाकी अपन सीधा घुसते हैं। और देसी पॉप में यार कुछ नया नहीं आ रहा है तो मैं एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ, न्यू रैपर सुन रहा हूँ क्योंकि हम लोग इससे पहले कभी पंजाबी म्यूजिक इतना एक्सप्लोर नहीं किया चैनल पे। बट अगर तुमको चाहिए तो मेक श्योर कि तुम अपने फेवरेट रैपर सिंगर्स जितने भी वो सब भी कमेंट करके बताओ। तो आ जाओ भाई और नए हो 10K करवाओ यार। ठीक है आ जाओ। नाइस मेलोडी शैरी नेक्सस तो बेसिकली वो शायद उनने प्रोड्यूस किया होगा इस सॉन्ग को। क्या चाहिए तुमको जरा बोल के बता। 80 फील्स आ रहे थे वो शुरुआत वाले वोकल्स में। तुम एयरफोन पहन के देखना रिएक्शन मजा आएगा। चांद तारे ना मांगियो तेरे नाम है आसमान। क्या चाहिए तुमको जरा बोल के बता। चांद तारे ना मांगियो तेरे नाम है आसमान। भाई यार मतलब लिटरली ये बोलते ना तो फिर भी सूट करता है पता है बहुत ज़्यादा। मैंने आजकल के रैपर्स में बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ यू नो कि फ्लेक्सिंग बहुत ज़्यादा होती है। बट यू नो देर इज़ अ थिंग कि लोग बोलते हैं पंजाबी रैपर्स बहुत ज़्यादा फ्लेक्स करते हैं बट स्टिल इन पे सूट होता है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो मतलब वो देख के उनको ऐसा लगता नहीं है मेरे को कि वो फ्लेक्स करने के लायक है बट स्टिल वो लोग गाड़ी ये सब सब बात करते हैं मेरे को लगता है जाना भाई। तो ऐसे ऐसे रैपर्स हैं मतलब देख हर एक की अपनी एक जगह है। जैसे जस मानक है तो वो ये चीज़ें बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। फिर जैसे डिवाइन है तो डिवाइन अगर गली की बात करेगा तो यू नो उस पर सूट करेगा। अब जस मानक आके गली की बात करेगा तो उस पर सूट नहीं करेगा। ही इज लाइक रॉयल लगता है पहले से तो दैट इज़ द थिंग। तो इन मतलब जो ये चीज़ें होती ना कि तेरे नाल है आसमां ये सब सुनने में इनके ही गाने में अच्छा लगता है मेरे को। बाकी किसी में मेरे को इतना ज़्यादा सूट नहीं करता। तो लेट्स गो भाई। बोल के बता चांद तारे ना मांगियो तेरे नाम है आसमां। क्या बंगला क्या गाड़ी बेबी तेरे प्यार में मैं तो मेरी जान गवा दूंगा। शाहजहां मैं तेरा मुमताज बन जा। तेरे नाम मैं बेबी ताज महल करा दूंगा। शाहजहां मैं तेरा मुमताज बन जा। तेरे नाम मैं मतलब पता ही नहीं चलता पता है कब ड्रॉप आ जाते हैं इनके सॉन्ग्स में। इतना मेलोडिक वॉइस है और आई कैन सी देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स मतलब वो बहुत ही अच्छा प्रेजेंट करते हैं। यू नो दिस इज अ लिरिकल वीडियो बेसिकली बट स्टिल इतने सही फोटोज लिए हुए हैं। यू नो लाइक इसका वीडियो में मेरे ख्याल से आउट हो सकता है क्योंकि वो पीछे ब्लू कलर की दीवार दिख रही है उसके आगे यू नो मैचेबल क्लोथ्स पहने हुए हैं और बहुत अच्छा मतलब स्वीट तरीके से प्रेजेंट करते हैं भले लिरिकल वीडियो है। तो शॉर्ट आउट टू गीत MP3 भाई बहुत सही लेबल। जस माना कहाँ से बिलोंग करते हैं यार दिल्ली में रहते हैं। आई डोंट नो आगरा में तो क्योंकि एक ऑलरेडी ताजमहल है ना भाई तो दिल्ली में बनवा दूंगा। Let's go my boy. शादी है भाई दिल की बातें कर रहे हैं यहाँ पे दिल की बातें कर रहे हैं। मतलब मैं भी सोचता तो ऐसा ही हूँ शादी के बारे में तो नहीं पर टाइम पास नहीं चाहिए यार टाइम पास नहीं होता यार अपने से। टाइम पास नहीं करना करनी शादी है। जितने घर पे रिश्ते आए मोड़ दिए तेरे पीछे कितनों के दिल तोड़ दिए। जो जो भी तू बोलेगी सब छोड़ के आ जाऊंगा।
शाहजहां में तेरा मुमताज बन जा, तेरे नाम में बेबी ताज महल करा दूंगा। शाहजहां में तेरा मुमताज बन जा। यार मेरे को तो बहुत सही लग रहा है गाना, और मेरे को चाहिए इसका वीडियो आता भाई। वो जो बीच में जो बीट ड्रॉप हुआ था और वहाँ से लेकर कौन मेरे को फ़ोन करे जा रहा है, उठाता हूँ भाई तुम्हारा फ़ोन, उठाता हूँ, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। लगता है मेरे को भी रिश्ते के लिए कॉल आ रहे हैं, बट स्टिल कि जहाँ पे वो वर्ड्स नहीं आ रहा है, नॉर्मल सी बीट बज रही है, तो देयर शुड बी सम सिनेमेटिक शॉट्स, और ऑल ओवर ये गाना बहुत सही हो सकता था, वीडियो के साथ भी आता तो भी, स्टिल इट साउंड कूल, ऑडियो है अच्छा लग रहा है, बट भाई वीडियो चाहिए। तुझको रानी बना देंगे भाई, ये गाने में तुम देख रहे हो कितने नाम चेंज हो गए, मुमताज हो गया, सेनोरिटा हो गया, और भी कुछ बोला होगा मैं भूल रहा हूँ, बट स्टिल भाई प्यार देख रहे हो तुम। रानी बना देंगे, चाबी खजाने की है तुझको दिला देंगे, ओ मेरी सेनोरिटा रानी। शाहजहां में तेरा मुमताज बन जा, तेरे नाम में बेबी ताज महल करा दूंगा। शाहजहां में तेरा मुमताज बन जा, तेरे नाम में बेबी ताज महल करा दूंगा। आगरा नहीं तो दिल्ली में बनवा दूंगा, तेरे नाम में बेबी ताज महल करा दूंगा। Let's go भाई। वीडियो के लिए मैं इसलिए बोला था क्योंकि यार मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि ऐसे गाने में कौन सी मॉडल हो सकती है, मतलब बहुत सही चूज़ करते हैं। जैसे कि देर वॉज अ सॉन्ग कॉल प्राडा, तो उसमें भी सोलिना एकदम बहुत सही सूट कर रहे थे, और इनका बहुत सही चूज़ होता है, लोकेशंस बेस्ट होती है, मॉडल्स बेस्ट होते हैं, ड्रेसिंग बहुत सही होती है इनका, मिक्सिंग मास्टर में तो नो डाउट दे। और बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि नहीं, चलो वो बात अपन बाद में करेंगे, बट ऑल ओवर द सॉन्ग वॉज गुड, मज़ा आया मेरे को सुन के, बीट ड्रॉप सही थे, और बीट प्रोड्यूसर कौन है भाई, ये ना जो मैंने पहले बोला था, रुक जाओ एक सेकेंड, तुम क्रेडिट्स तो दिए हुए हैं, क्लोथिंग स्लीकिंग ऑडियो जू बॉक्स पोस्टर प्रोड्यूस्ड बाई केवी दिलोन एंड म्यूजिक लेबल गीत MP3 ओके, ठीक है। बहुत सारे लोगों को शॉर्ट आउट भाई, ऑल ओवर शॉर्ट आउट टू गीत MP3 म्यूजिक फॉर ब्रिंगिंग दिस शेड आउट। तो बाकी तुम अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, तुमको कैसा गाना लगा, एंड अगर तुमको चाहिए कि बहुत सारे हम लोग पंजाबी रैपर्स सिंगर्स एक्सप्लोर करें तो कमेंट डाउन करके बताना, और भाई सब्सक्राइब करना अगर तुम्हें ऐसे ही रिएक्शन देखने, गाना बढ़िया था अपने ओपिनियंस बताना, बाकी मिलते तुमसे किसी और अच्छे रिएक्शन तक, स्टे सेफ एंड मस्ट टेक केयर एंड टाटा। हुआ मैं तो ये गेमों का खेल के टिकटॉक और चूतियों की गाना हम पे लेते, गेम को घुमाता हूँ जैसे ये बेब्लेड, हल्का समझते अब कहता हूँ चेक में, स्कूल में तो लिखता रहे बुक थी क्लास में, दिखते ही दिखते हैं गुम हो गए बैचमेट, ओके मिले फ्रॉम द पीपल हु आर फेक, M11 विद वुमन और अ स्नेक, अकेला काटा था मैंने बर्थडे केक, इमेजिनेशन में किया था बेक।